अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज देखिए, जमजम के पानी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, मेरे को जो भी मालूम है आप लोगों को भी मालूम होंगी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम ना। जिसको नहीं मालूम वो सुन लीजिए, जिसको नहीं मालूम हो तो छोड़ दीजिए वीडियो देखना। जो है सो साल 6 महीने पहले मेरे को मालूम है ये पानी के बारे में। कोई जर्मनी साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट बताए कि ये पानी में जान है, इस पानी में जान है। सुनता ये बात, अपनी दुआयाँ सुनते ही ना अल्लाह, तो अपनी नफ्स तो भी दूर रहती उतनी करीब रहते अपना अल्लाह अपने पास, मगर ये पानी में जान है सुनते, सुनाई देते इनको दुआयाँ। अपन बोलते ना, मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, राइट पैर पूरा मुड़ गया था, तो मैं आगे पीछे दुरुद पढ़ के यही पानी लगाती थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई। अब लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा, वो तो दिन रात है या सुख दुख आते रहता, एक नहीं तो एक चलते रहता, इंसान है अपन तो। ये देखिए, मेरे एक पड़ोसी भी उम्रे को गए थे, वो बाजी बोले के वहाँ पर चल चल के उनको पैर में बहुत तकलीफ हुआ करती, तो ये पानी से लगाए गए थे दुआ करके, ना कोई ट्यूब लगाई, गोली खाई, गोलियाँ लग गए मगर नहीं खाए, तो ये पानी से ठीक हुए कहते हो ना माशाल्लाह। और ये पानी देखिए, 1 साल पहले मेरे को हमारे हमीद भाई बोल के है, उनके अम्मा दिए थे, खाला माँ। मैं ये पानी कहाँ रख के मालूम, अलमारी के लॉकर में रखी माशाल्लाह। तो देखिए कितना साफ पानी है, देखिए उनका ने कितने दिन से रखा भाई, को 10 साल 8 साल हुआ आज को जाके आके, उनके पास कब से है कि मेरे को दिए उन्होंने, देखिए। तो मैं अलमारी के लॉकर में रख दी, यहाँ है तो वहाँ है तो गंदे छाँव पड़ेंगे, बल्कि जो ये पानी जो है सर थोड़ा ही छेलो इसमें। अभी हमारे एक बहन पूछे मेरे को, थोड़ा दे देती हूँ, थोड़ा रख लेती हूँ, थोड़ा देंगे बस जा अपने पास जो भी है इतने में से इतना देना भाई। मेरे को थोड़े दिन पहले एक जने को पूछी मैं, उनका नहीं तो 5 लीटर था रखा हुआ, थोड़ा पानी दो बोले थे, नहीं दिए। इतना ये पानी अगर 100 लीटर में भी एक कतरा डालेंगे ना अपन, तो पूरे पानी जमजम बन जाता कहते। यहाँ 2-3 जनों का मुंह से सुनी मैं, बाहर से ऐसे लोग मिक्स करके देते कहते, मेरे पड़ोसी बोले थे, उनको बहुत जनों को बांटना था तो मिक्स करके बांटे आंटे हम लोग, हम बोले तो ऐसा तो है अपने कहने, मेरे कहने इतना ही छे, मगर आधा दूँगी आधा रख लूँगी मैं। ऐसे तो है लोग, दुआ लेने वाले नहीं है दुनिया में, इसलिए ऐसे वायरस आ रहे। जो है सो उस ज़माने में वायरस आते थे कहते, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे कहते, साहबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल सोच रहे हम नेक लोग हैं, मुसलमान को नहीं होंगे ये वायरस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको आ सकता, किसी को भी आ सकता, नेक है तो अपन बुरे लोगों को अच्छे रास्ते से नहीं ला रहे ना रास्ते को, इसीलिए अपने ऊपर भी आजमाइश आएंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कहते हाँ आती, क्योंकि अच्छे लोग जाके बुरे लोगों को सुधार रहे नहीं ना, तो अच्छे लोगों को भी आजमाइश में गिरना ही छे। तो जो है सो आप चाहे तो, मैं बोली ना साइंटिस्ट के बारे में, आप गूगल में चेक कर ले सकते, जो है सो ये पानी में जान है, मैं सुनी थी 6 महीने पहले। और ये पानी जो है सो अपने को हाजरा अलैहिस्सलाम बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से मिले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बेटे को मक्के में छोड़ के जा रहे थे कहते, थोड़े खजूर चंद खजूर पानी दे देखे। तो बीवी हाजरा बोले कहते क्यों छोड़ रहे, तो अल्लाह का हुक्म है। तो उस ज़माने में बीवियाँ देखिए हुफ तक नहीं बोले कहते, अच्छा ठीक है अल्लाह के हुक्म है ठीक है बोल के, उस जंगल में उस रात में अंधेरे में कैसे रहे होंगे एक छोटे से बच्चे के ले लेके। तो आजकल बीवियाँ अम्मो अल्लाह रहम करे, तो वो पानी हो गए, खजूरा हो गए थोड़े से, फिर बच्चा रोने लगे पानी के वास्ते, तो बीवी हाजरा जो है सो सफवा मरहा पहाड़ पे चढ़ना उतरना 7 बार चढ़े उतरे, तो जब वो बच्चा रो रो के इस्माइल अलैहिस्सलाम हेड़ियाँ घसे, तो वहाँ से जर्रा फूटे कहते, पानी रुक रहे नहीं थे कहते। फिर बीवी हाजरा बोले कहते जम जम बोले कहते, उर्दू में जम जम बोले तो अरबी में शायद अरबी उर्दू शाह
जमजम बोले तो रुक जा बोल के। तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा, हमारे को उर्दू सब्जेक्ट है, एक हमारे बाजी भी यमन के है, उन्होंने सिखाते रहते, ला ला बोलते रहते, बोलो तो नहीं नहीं बोल के। तो माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा मेरे को भी। तो जम जम बोले कहते हजर अल सलाम, तो जबू अतरा एक कट्टे के जैसा थोड़ा सा बंदिए थे कहते मट्टी से। तो जब जो है सो चिड़िया आके पानी पीते थे कहते, मुसाफिर आके रे यहाँ तो चिड़िया पानी फिरे। उस ज़माने में पानी की भी तकलीफ थी, हमारा बाबा भी बोले थे आज से 100 साल पहले हमारा दादा के ज़माने में ऐसी मुसीबत आई कहते, फुल बारिश आके फुल पूरे खेता बह गए कहते, थोड़े दिन बारिश ही नहीं आई कहते, खेता सूख गई कहते, फिर बोले ना अंग्रेज़ पूरे खेता खींच लिया, ऐसा ऐसा वाक़े हुए। तो उस ज़माने में भी पानी की तकलीफ थी, तो फिर मुसाफिर देख के वहाँ अरे यहाँ पानी है बोल के फिर वहाँ आके टेंट डाल के रहने लगे, मक्का आबादी हुई कहते। तो ऐसा वाक़या है जो है से, ये वायरस के लिए अल्लाह सबको बचाओ, दुआ लेना, दुआ की ज़रूरत है, दुआ दवा दोनों होना बोलते। देखो लोगों के ने दौलत रहती मगर दुआ नहीं मिलती कभी, एक दूसरे के लिए दुआ लीजिए। अब इसमें से मैं थोड़ा दूंगी उनको, आधा दूंगी आधा रख लूँगी, कोई बात नहीं, अल्लाह हिदायत दो सबको, बीमारी से बचाओ हमको बचाओ, किसी को तकलीफ़ दिए तो ये बातों से माफ़ी चाहती मैं, एक दूसरे को माफ़ी मांग लीजिए, कोई बुरा करे तो अपन रोक रहे नहीं, इसलिए अच्छे लोगों के ऊपर भी आजमाइश आती रहती। अब क्या बोलेंगे, अब लोगों ऐसा डरते अल्लाह से डरने का, इंसानों से डर रहे, तुम गलत कर रहे बोल के बोल ही नहीं सक रहे, किसी का वो होता ये होता कोई बोल रहे ना तुम गलत कर रहे बोल के, खाली देखते रहते अपने घर वाले देखते बाहर वाले देखते, अल्लाह का डर खौफ तो है ही नहीं किसी को। अल्लाह माफ़ करो, तुम सीधे रास्ते पे चलाओ सबको हमको, यही दिन सिरातल मुस्तकीम पे चलाओ अल्लाह, ये दुआ है जो है सो, ये पानी आप इस्तेमाल करिए, एक दूसरे को बांटिए है तो, आजकल ऑटो वाले मजदूरी करने वाले बहुत परेशान है, खाने को नहीं मिल रहा है तो बांटिए इंशाल्लाह, ये पानी भी बांटिए, मिला मिला के बांटिए, मेरे पड़ोसी बोले थे उन्होंने मिला मिला के बांटे आंटी हम लोग बोले उन्होंने, और देखे मिलाए तो भी ये देखे साफ, बचपन में मैं गांव में देखती थी मट्टी का गड़ा धो धो के डाले तो भी 2-3 दिन में कीड़े हो जाते थे, 1-8 दिन में, ये सालों से रखा हुआ है मेरे अलमारी में, देखे माशाल्लाह ये पानी कभी ख़राब नहीं होते। देखिए अल्लाह सोइए, सोए तो भी इम्यूनिटी बढ़ती इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलने भूल गए, ये पानी पे नहीं पड़ना कभी भी, जमजम का पानी के ऊपर पड़ के फूकना ही नहीं, मैं आगे पीछे दुरुद पढ़ के दुआ करके पीती थी लगाती थी, अभी मालूम हुआ कि 40 बार अलम का सूरा पढ़ के दुआ करके पीना, इसमें फूकना नहीं कभी भी, जमजम का पानी कुछ शिफा है, इसमें फूकना नहीं कभी भी, वही 70 बार 41 बार पढ़ के आप दुआ करके पीजिए, इसमें फूकना नहीं। और जो है सो ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, इतने वीडियो मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं भेजे तो नहीं भेजे, एक वीडियो सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।